हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूल। सुबह की 8 बज रहा है और आज डांस प्रैक्टिस है आर्यन के, तो उसके लिए आए हम लोग। बस आगे स्कूल के सामने आर्यन जा रहा है, तो चलो घर जाके मिलती हूँ आप लोग से। तो अभी आ गई मैं आर्यन को छोड़कर, और स्कूल के सामने आप लोग देखें कितना भीड़, कितना भीड़ है स्कूल के सामने। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था। तो सुबह सुबह गए, बहुत अच्छा लगा, एकदम मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और ये देखो सुबह सुबह, अभी धूप पूरा आया नहीं है लेकिन आने वाला है धूप, मस्त। चलो जाते हैं अब अपना काम कर लेने। और आर्यन टिफिन में ले गया आज उपमा, दिखाती हूँ आप लोग से। तो उपमा बनाई, उसको पसंद है इसीलिए बना दी। तो वो बोला कि सुबह सुबह क्या खाऊँ मैं, खाना खा के नहीं गया, एक एप्पल खाया और सुबह में दूध पिया था उठ के, उसके बाद एप्पल खाया। तो मैं बोली उपमा बना देती हूँ, उसको बहुत पसंद है उपमा। पोहा उतना नहीं पसंद है लेकिन उपमा बहुत पसंद है, तो यही बना दी। उपमा लेकर गया, थोड़ा सा बच गया है, हम लोग नाश्ता कर लेंगे। चलो यहाँ दूध भी बैठा दी हूँ गैस पे गर्म होने के लिए, क्योंकि एक बार में पूरा दूध गर्म हो जाता है तो अच्छा रहता है सबको देने में। चलो यहाँ दूध गर्म हो रहा है और खाना बना लेती हूँ मैं, क्योंकि 12:30 में लाना है उसको। तो सब कुछ करके फिर मिलते हैं आप लोग से। गैस ऑन है, अभी फुल करके रखी हूँ क्योंकि यहाँ से हटना नहीं है, नहीं तो जैसे ही हटूँगी वैसे ही दूध गिर जाएगा। ये बहुत लोग के साथ होता है, मेरे साथ तो अक्सर होता रहता है। जैसे गैस को एकदम तेज करके रहूँगी ना, बस दूध गिर जाएगा। ये देखो बाहर के नज़ारा, ओस गिर रहा है अभी। तो चलो अभी मैं नहा धोवा के रेडी हो गई, पूजा पाठ सब कुछ हो गया है मेरा। सुबह नहीं नहाई थी क्योंकि आर्यन को जाना था। तो अभी यहाँ मैं जा रही हूँ चना खाने, जो कि अंकुर गया है। चना और मटकी है, ये देखो बहुत अच्छे से अंकुर गया है। तो चलो पहले इसको खा लेते हैं, उसके बाद फिर नाश्ता बनाऊँगी। नाश्ता में तो उपमा है लेकिन उपमा पति देव नहीं खाते, उनके लिए कुछ बनाऊंगी अलग से। चलो पहले इसको खा लेते, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोग से। तो ये देखो आप लोग दोस्तों, ये बहुत पुरानी वीडियो है, छठ के टाइम का है, जो कि उस टाइम दीदी आई थी मेरी। तो ये वीडियो मेरे मोबाइल में पड़ा था, तो मैं सोची कि चलो इसको डाल देते हैं। कब से पड़ा था मोबाइल में, और वो लोग एक ही दिन रुके थे। तो यहाँ हम लोग रेडी हो गए हैं, ऑटो में बैठ गए हैं और मैं इन लोग को लेकर जा रही हूँ मॉल में घुमाने, क्योंकि पतिदेव की छुट्टी नहीं है, वो तो ऑफिस गए हैं और ये लोग एक ही दिन के लिए आए, कल चले जाएंगे। तो यहाँ ओरियन मॉल में आ गए हम लोग, और यहाँ मैं सोची कि चलो जो पास में है वहाँ तो घुमा दूँ, क्योंकि एक दिन के लिए आए हैं और फर्स्ट बार आई थी मेरी ये दूसरी दीदी नागपुर वाली। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कितना सजा है दिवाली के टाइम पर, बहुत लाइटिंग लगी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो आगे, ये रहा ओरियन मॉल, और ये ना मतलब बहुत दिन से पड़ा था। तो आज ऐसी देख रही थी मैं मोबाइल, तो उसमें दिखा, मैं सोची अरे यार ये तो रह ही गया, मैं डाली नहीं, चलो आज डाल दी। और वो लोग भी बोल रहे थे कि जो वीडियो निकाली थी ब्लॉग में डाली नहीं, तो यहाँ मैं डाल दी हूँ। और ये मेरी बड़ी दीदी है। तो यहाँ हम लोग तीनों बहन जा रहे हैं मॉल के अंदर, और काफ़ी अच्छी लग रही है ना साथ में तीनों बहन, ये देखो। तो ये वीडियो इतना ही है, और आप लोग को दिखाती हूँ घर का ब्लॉग। तो अभी शाम हो गई है और यहाँ मैं चूड़ा को फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि शाम को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो यहाँ चूड़ा और मटर मैं बनाऊँगी, जो कि हमारे बिहार में बनता है और काफ़ी अच्छा लगता है। अभी सीजन की टाइम है, यही दिसंबर जनवरी में खाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी बना के देखना, ये बहुत अच्छा लगता है। तो चलो मैं बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोग से। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, इस टाइम मैं मिनी ब्लॉग बना रही थी उसका। तो यहाँ चूड़ा बन के रेडी हो गया है, मटर और चूड़ा, काफ़ी अच्छा लगता है, सबको दे दी हूँ। अब मैं भी जा रही हूँ खाने, और ये शाम के टाइम पे तो बहुत अच्छी लगती है चाय के साथ। यहाँ आर्यन को भी दे दी हूँ। तो चलो बस अब नाश्ता हो गई है, अब जाऊँगी मैं खाना बनाने। तो चलो अब जाती हूँ मैं खाना बनाने। खाना बनाने की टाइम हो गई है और सोची थोड़ा सा आप लोग से बात कर लूँ। तो बस आज बहुत ज़्यादा मतलब काम हो गया है। और आजकल का ब्लॉग कैसा लग रहा है तो आप लोग कमेंट में बताना, और मतलब पहले से ज़्यादा थोड़ा आप लोग प्यार दे रहे हो, ऐसे ही आप लोग प्यार दोगे तो मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ।
बस यही सब आप लोग से बोलना था कि मतलब छोटे यूट्यूबर को भी साथ दो। तो यहाँ मैं बहुत ज़्यादा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ अकेले, मतलब वीडियो भी बनाना है, एडिटिंग भी करनी है, घर का काम भी करनी है, मतलब बच्चों को भी सब कुछ मुझे अकेले ही करनी है। तो उस मेहनत को आप लोग देखकर और थोड़ा मतलब अपना प्यार बनाए रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं मेहनत कर रही हूँ वीडियो के लेकर। क्योंकि कोई ये ना बोले ना कि वीडियो के चक्कर में घर का काम नहीं हो रहा है, चाहे बच्चों पे ध्यान, मैं हर एक चीज़ के ध्यान देती हूँ और हर एक चीज़ मतलब टाइम से मैं कर लेती हूँ। आप लोग को तो ब्लॉग में सब दिखता ही होगा। तो बस यही सब बात करनी थी आप लोग से कि थोड़ा मतलब छोटे यूट्यूबर पे भी टाइम दो। तो चलो अभी ये देखो खिड़की से कितनी अच्छी लाइट आ रही है अंदर, बहुत अच्छी लग रही है, ग्रीन ग्रीन एकदम दिख रहा है, क्योंकि पेड़ पौधा है ना पीछे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो अभी जाते हैं खाना बनाने, नहीं तो खाना में लेट हो जाएगा। और आज की ब्लॉग कैसी लगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की ब्लॉग कैसी लगी। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, और आप लोग ऐसी भर भर के अपना प्यार देते रहो, ऐसी सपोर्ट करते रहो, ताकि हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर भी आगे बढ़ सके, उम्मीद रख सके कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो बस अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो अभी आर्यन भी आ गया है मेरे साथ। तो वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है आर्यन? लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और चैनल पे नए हो तो बेल आइकन दबा के जाना, सारे नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलो ऐसी ब्लॉग आती रहेगी। और आर्यन के अभी क्या चालू है? क्या चालू है? डांस। हाँ तो डांस प्रैक्टिस चालू है, और दो दिन है ना, 21 को जाना है, फाइनल है उस दिन स्कूल में। 21 को है ना होगा फेस्टा? होगा, नहीं पता है? नहीं पता मुझे सब पता है, नौटंकी कर रहा है, नहीं पता। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। बाय बाय बाय।